गाइस एंड वेलकम टू सोनीज वर्ल्ड। तो फ्रेंड आज मैं आपको बताऊंगी स्किन व्हाइटनिंग समर केयर रूटीन। इट्स अ डेली स्किन केयर रूटीन, आप डेली इसे कर सकते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इजी है। ये मैंने अभी किया हुआ है, मेरी स्किन पे किसी तरह का मेकअप नहीं है, मैंने सिर्फ मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगाई है अपनी और आप देख रहे होंगे कि मेरी स्किन नेचुरली ग्लोइंग लग रही है। और ये आपकी स्किन को ग्लोइंग करने के साथ साथ आपकी स्किन को व्हाइटन एंड ब्राइटन भी करता है, और साथ ही साथ ये आपकी स्किन केयर से जितनी भी रिलेटेड प्रॉब्लम है, आपके डार्क स्पॉट्स है, पिगमेंटेशन है, आपके फेस पे ब्लैकहेड्स वगैरह है, उसे भी रिमूव करता है। और साथ ही साथ अगर आपके फेस पे ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है, यानी कि आपके फेस के जो पोर्स है ये खुल जाते हैं, इसे भी ये टाइटन करता है, आपकी स्किन को टाइटन करता है। और ये ऐसे इसमें बहुत सारे स्टेप्स नहीं है, 3-4 स्टेप्स हैं जिसमें से आपको स्क्रबिंग वंस इन अ वीक ही करनी है, रेगुलर स्क्रबिंग नहीं करनी है। बाकी आप क्लेंजर और फेस पैक और जो मसाज है वो पैक है वो आप रेगुलर कर सकते हैं या ऑल्टरनेट डेज पे कर सकते हैं या आप सोने से पहले कर सकते हैं। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं कि हम कैसे कर सकते हैं, ऐसे कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं जिससे कि हम स्किन को हेल्दी एंड ग्लोइंग बना सकते हैं। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम करेंगे क्लीनअप। तो ये मैंने लिया है कच्चा दूध, ये मैंने आधा कटोरी कच्चा दूध लिया है और इसमें मैं डालूंगी हाफ लेमन जूस। और जब ये कर्डल हो जाएगा, जब ये दूध फट जाएगा, तो हम इसको अपने फेस पे ऐसे क्लीनअप करेंगे। ये सबसे अच्छा क्लीनअप होता है, इससे हमारे जो पोर्स हैं वो डीप क्लीन होते हैं। इससे पहले ही मैंने ये बता रखा है, तो इसको हम फटने का वेट करते हैं। ये 3-4 मिनट में आराम से फट जाएगा, तो हम इसके फटने का वेट करते हैं। तो फ्रेंड ये दूध फट चुका है, हम इसे अच्छे से अपने फेस पे क्लीनअप करेंगे। इससे आपको 5 मिनट अच्छे से आपको फेस पे क्लीन अप करना है और अपने हाथ को अच्छे से वॉश कर ले सैनिटाइजर से या किसी सोप से। तो हम इसको अपने फेस पे अच्छे से हमें इसको क्लीन अप करना है। तो फ्रेंड 5 मिनट तक मैंने अच्छे से क्लीन अप किया था। अब ये मैंने कॉटन बॉल लिया है, इसको हम डिप करेंगे इसमें। क्लेंजर बनाया था इसको हम अच्छे से अपने फेस पे रिमूव कर देंगे। अब हम जितना भी हमारा अपने फेस को हम क्लीन कर देंगे। तो फ्रेंड अब हम करेंगे स्क्रबिंग। स्क्रबिंग आपको वंस इन अ वीक ही करनी है, रेगुलर नहीं करनी है। स्क्रबिंग से क्या होता है, जितने भी हमारी स्किन की डेड स्किन होती है रिमूव होती है और नई स्किन आती है। तो ये मैंने लिया है हाफ टोमेटो और ये मैंने लिया है शुगर। ये थोड़ी दरदरी शुगर है, मोटी वाली शुगर नहीं है। इसको मैंने अच्छे से कूट लिया है और इसको लगाने से पहले हम अपना फेस रोज वाटर से हम अच्छे से वेट कर लेंगे। उसके बाद हम जो टमाटो है हम इसको इसमें डिप करेंगे शुगर में और इसको थोड़ा सा हम स्क्वीज कर लेंगे ताकि इसमें टमाटो जूस भी आ जाए और अच्छे से हम अपने स्किन पे क्लीन स्क्रबिंग करेंगे। टोमेटो बहुत ही अच्छा होता है, ये हमारी स्किन को ब्लीच करता है नेचुरली और हमारी स्किन पे अगर टैनिंग है, डार्क स्पॉट्स हैं, उसको भी ये रिमूव करता है। बीच बीच में हम लेते रहेंगे शुगर और फिर हम क्लीन अप करते रहेंगे। तो फ्रेंड 5 मिनट हो चुके हैं स्क्रबिंग करते हुए, अब हम इसे नॉर्मल जो है पानी से इसे वॉश कर ले। तो फ्रेंड अब हम करेंगे फ्रूट मसाज। ये मैंने लिया है 1 टेबल स्पून पपाया पल्प, मैंने ये छिलके के साथ लिया है, और 1 टेबलस्पून मैंने लिया है सेब को, मैंने कद्दूकस के लिया था विद पील। मैंने सेब को, मैंने उसका जो छिलका है वो उतारा नहीं था। आप चाहें तो बनाना भी यूज कर सकते हैं, फिलहाल मेरे पास बनाना नहीं है। बनाना भी बहुत अच्छा होता है स्किन के लिए, तो आप चाहें तो इसमें पपाया तो बहुत ही अच्छा होता है हमारी स्किन के लिए, हमारी स्किन को व्हाइटनिंग करता है। साथ ही साथ इसमें कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो हमारी स्किन को लाइटन करते हैं, टाइटन करते हैं और हमारी स्किन टोन को भी ब्राइटन करते हैं। और साथ ही साथ अगर आपके फेस पे किसी भी तरह के डार्क स्पॉट्स है, पिगमेंटेशन है, उसे भी रिमूव करता है। और साथ ही साथ ये बहुत ही ज्यादा हमारी स्किन को ग्लोइंग बनाता है। और एप्पल में भी बहुत ही अच्छे विटामिंस होते हैं जो हमारी स्किन को ग्लोइंग रखते हैं। तो मैं इसमें डालूंगी 1 टीस्पून हनी। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप हनी कम भी कर सकते हैं, मैं इसमें लगभग 1 टीस्पून हनी डालूंगी। हनी हमारी स्किन को नेचुरली मॉइस्चराइज करता है। और मैं इसमें डालूंगी एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल अगर आपके पास फ्रेश है तो आप फ्रेश ही यूज करें, प्लांट से बिल्कुल एक्सट्रैक्ट करके उसका जो है पल्प निकाल लें। फ्रेश चीज जितनी भी आप यूज करेंगे अपनी स्किन पे वो उतना ही अच्छा होगा, पर मेरे पास अभी है नहीं एलोवेरा, तो मैं यहाँ पे मार्केट बेस्ड एलोवेरा यूज कर रही हूँ। ये 100% जो है प्योर है। आप चाहें तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगी कि आप घर पे ही अगर आपके एलोवेरा का प्लांट है तो उसी टाइम जब भी आपको लगाना हो उसी टाइम आप उसको
पल्प को एक्सट्रैक्ट करें। और ये जो मैंने फ्रूट मसाज क्रीम बनाई है, ये भी आपको जब भी आपको अपने फेस पे मसाज करनी हो तभी आपको करना है, यानी कि आपने 1 घंटे पहले कद्दूकस करके रखा और फिर आप 1 घंटे बाद लगा रहे, नहीं, जैसे कि मुझे अभी करना है मैंने उसी टाइम ही मैंने एक ग्रेट किया है। तो मैं इसमें डालूंगी 1 टेबल स्पून एलोवेरा जेल। फ्रेंड हमारी फ्रूट मसाज क्रीम तैयार है, इसको थोड़ा थोड़ा करके अपने फेस पे आपको लगाना है, बहुत ही जेंटल हाथों से ऐसे करके रब, बिल्कुल ये जो हमारी 2 फिंगर होती है इससे ही हमको अपने फेस पे मसाज करनी है। ये बहुत ही इफेक्टिव है क्योंकि मैं इसे यूज करती हूँ, इससे बहुत ही अच्छा ग्लो आता है और बहुत ही स्किन ग्लोइंग लगती है, बहुत ही अच्छी लगती है। तो इसको हमें 10 मिनट से कम 10 मिनट तो आपको अपने फेस पे मसाज करना ही है, आप चाहे तो ज्यादा भी कर सकते हैं। तो ऐसे आपको ऊपर अपर डायरेक्शन में आपको ये मसाज करना है, फिर ऐसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। इससे क्या होता है हमारे फेस पे ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छे से होता है और बहुत अच्छे से हमारी स्किन पे फ्लो होता है ब्लड का, देन अपने दूसरे चीक्स पे। मैं आपको कुछ ये स्टेप्स बता रही हूँ जो कि बहुत अच्छा होता है, हमारी स्किन के मसल्स को टाइट करता है। आप चाहें तो अगर आपके स्टेप्स नहीं चलते तो आप बीच बीच में एलोवेरा जेल हाथ में लेके फिर भी अपने फेस पे ये लगा सकते हैं, इससे क्या होता है हमारे स्टेप्स बहुत स्मूथ चलते हैं। फिर बीच बीच में आप पैडिंग भी कर सकते हैं अपने फिंगर से। और फिर ये इसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आप चाहें तो नेक पे भी अच्छे से आप कर सकते हैं, और अपने लिप्स के जो आपके अराउंड लिप्स है वहां पे भी, जो जहां पे हमारी स्किन टैन हो जाती है, थोड़ा सा और लेंगे हम मसाज क्रीम फेस पे लगाएंगे। आप चाहें तो ज्यादा भी मसाज कर सकते हैं, 10 मिनट तो मिनिमम है, 15-20 मिनट हाफ एन आवर तक भी कर सकते हैं, या अगर आपके हाथ थक जाते हैं तो आप किसी से बोल दें वो मसाज कर देंगे। और फिर आईज पे ये जो हमारी रिंग फिंगर होती है इसे ऐसे, इससे हमारी आईज को बहुत रिलैक्स मिलता है, हमारी आईज की जो मसल्स है वो टाइट होती है और जो हमारे को रिंकल्स हो जाते हैं, इसमें हम क्रो फीट बोलते हैं, जहां पे यहाँ पे हमारे रिंकल्स हो जाते हैं वो भी रिमूव होते हैं। फिर इसी से ही हम अपने आई लिड पे करेंगे, इसे बहुत रिलैक्स मिलता है। और फिर फोरहेड पे फ्रेंड मैंने 15 मिनट अच्छे से अपने फेस पे मसाज किया था इस मसाज क्रीम से। अब इसी पे ही ये मेरा बच गया है, इसी में ही हम डालेंगे 1 टेबल स्पून मैं डालूंगी इस पे, ये मैंने डाला है बेसन, आप चाहें तो मुल्तानी मिट्टी चंदन पाउडर भी यूज कर सकते हैं, और मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा रोज वाटर, इतना कि हमको फेस पैक कंसिस्टेंसी मिल जाए, हमारा फेस पैक पतला नहीं होना चाहिए ना ज्यादा गाढ़ा होना चाहिए। तो इसमें मैं थोड़ा सा ही अंदाज से डालूंगी, पहले थोड़ा सा ही डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। तो फ्रेंड ये हमारा फेस पैक तैयार है, इसे हम अपर डायरेक्शन में अपने फेस पे लगाएंगे। तो फ्रेंड मैंने 5 मिनट मैंने मसाज करके अपना फेस पैक रिमूव किया था, एंड यू कैन सी द रिजल्ट ऑन माय फेस, मेरी स्किन काफी ग्लोइंग लग रही है, काफी जो है रिफ्रेशिंग लग रही है, और मेरी स्किन की जो टोन जो है कॉम्प्लेक्शन भी लाइट लग रहा है। और ये जो है आइस की हम मसाज करेंगे, ये आइस जो है नॉर्मल आइस नहीं है, ये रोज वाटर एंड कोकोनट वाटर की आइस है,
इसको मैंने इक्वल जो है क्वांटिटी में रोज वाटर और मैंने जो है नारियल का पानी मिलाया था। अगर आपके पास रोज वाटर नहीं है, नारियल पानी नहीं है, तो आप रोज वाटर में थोड़ा सा क्यूकम्बर जूस, खीरे का जूस मिला सकते हैं, या गर्मियां हैं जिसमें चिपचिपा हो जाता है हमारा फेस, तो आप वाटरमेलन जो है खरबूज जो तरबूज का जो है जूस भी मिला सकते हैं। या आपकी स्किन पे पिगमेंटेशन है या आपकी स्किन पे किसी तरह के डार्क स्पॉट्स हैं तो आलू का रस भी उसमें मिला सकते हैं। तो हम इसको अच्छे से सर्कुलर मोशन पे अपने फेस में मसाज करेंगे इससे। फ्रेंड आई होप आपको आज का जो है ये स्किन व्हाइटनिंग डेली समर केयर रूटीन पसंद आया होगा, इसका स्किन व्हाइटनिंग रूटीन। और इसमें ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है क्योंकि इसमें पर्सनल ट्राई करती हूँ, आप खुद भी ट्राई कीजिएगा, आप देखेंगे कि आपकी स्किन लाइटन हो रही है, आपकी स्किन पे जितने भी डार्क स्पॉट्स हैं, काले धब्बे हैं, काले निशान हैं या पिगमेंटेशन जिसे हम झाइयां बोलते हैं वो भी रिमूव करेगा। क्योंकि मैंने इसमें पपाया यूज किया है, पपाया बहुत ही अच्छा होता है हमारी स्किन को, हमारी स्किन के डार्क स्पॉट्स रिमूव करने के लिए, हमारी स्किन पे अगर झाइयां हैं, काले निशान हैं, उसे भी रिमूव करता है। और मैंने इसमें एप्पल यूज किया था विद पील, आप चाहें तो बनाना वगैरह या कोई और फ्रूट भी यूज कर सकते हैं। वाटरमेलन आप इसकी आइस जमा लें, जैसे मैंने रोज वाटर की या कोकोनट वाटर की जमाई थी, आप आपके पास मैं आपको चॉइस देती हूँ, आप वाटरमेलन की जमा सकते हैं आप, क्योंकि गर्मियां आ गई हैं, गर्मियों में हम सबकी स्किन काफी जो है चिपचिपी सी रखती है, तो वो हमारी स्किन को हाइड्रेट करना बहुत जरूरी होता है। तो अपनी स्किन को हाइड्रेट करने के लिए वाटरमेलन बहुत ही अच्छा है। और आप इसमें क्यूकम्बर जूस भी ऐड कर सकते हैं, एलो उसमें आप इसमें आइस क्यूब बना के रख सकते हैं, या जब भी आप बाहर से आए आप अपने अपने फेस पे आइस क्यूब रब कर ले, बहुत ही अच्छा होता है। आइस क्यूब जो ट्रीटमेंट होती है, आइस ट्रीटमेंट, वो हमारी ओपन पोर्स के लिए बहुत ही अच्छी होती है और साथ ही साथ ये बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट रहती है यूज़ करने के लिए। और आप जो है इसमें, आप इसमें जो दूसरे आप रोज वाटर की आइस जमा सकते हैं या कोकोनट वाटर की जो मैंने यूज़ की थी, आप क्यूकम्बर वाटर, क्यूकम्बर जूस और रोज वाटर की जमा सकते हैं। अगर आपकी स्किन पर डार्क स्पॉट्स ज़्यादा ही हैं, झाइयाँ हैं, तो आप आलू को और टमाटर को इक्वल क्वांटिटी में आप उसको आइस भी जमा सकते हैं। सो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो मिलती हूँ मैं किसी नए होम रेमेडी या नए किसी DIY के साथ। टिल देन बाय बाय एंड स्टे हेल्दी, स्टे ब्यूटीफुल।